गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक जनाधार विहीन पार्टी है। कांग्रेस के नेता बुजुर्ग हो चुके हैं, वे सिर्फ ट्विटर तक सीमित हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस भयानक बाढ़ की आपदा में कांग्रेस का एक भी नेता घर से बाहर जनता से मिलने नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से ही जाति के आधार पर राजनीति की, कांग्रेस ने लोगों को बांटने की राजनीति की और इनकी यही सोच रही है, जबकि भाजपा ने हमेशा सबका साथ और सबका विकास चाहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही सरकार की आलोचना करती आई है, उनकी रिपोर्ट भी यही आनी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस में अधिकांश नेता रिटायर होने वाले हैं, इसीलिए खटिया डालकर बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्य क्षेत्र ट्विटर पर ही रह गया है। बाढ़ की इस भयंकर आपदा में कांग्रेस का एक भी नेता जनता के बीच नहीं गया। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अंग्रेजों की तरह फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई है। उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की है, उन्होंने जाति के आधार पर लोगों को बांटने का कार्य किया है, जबकि भाजपा का हमेशा से उद्देश्य सबका साथ सबका विकास रहा है। कांग्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी के डिसलाइक की चिंता हो रही है, पर इनको बाढ़ पीड़ितों की चिंता हो ही नहीं रही। कम से कम एक बार बाढ़ पीड़ितों से मिलने ही चले जाते। रिपोर्ट क्या आना है ये पहले से तय है, वो कहीं भी जाए जांच रिपोर्ट पर तो मालूम है कि वो क्या रिपोर्ट देने वाले हैं। वो सरकार की आलोचना करने को ही जा रहे हैं, आलोचना ही उन्हें करना है। वैसे उस विषय में सारे तथ्य आप मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आ चुके हैं। दरअसल कांग्रेस में क्या है कि अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं तो हर जगह खटिया डाल के बैठे हैं। डिसलाइक तो उन लोगों को करना चाहिए कांग्रेस के, जो लोग ऐसी बाढ़ की आपदा में भी घर से नहीं निकले। कांग्रेस का कार्य क्षेत्र ही अब कुल ट्विटर फेसबुक पर रह गया है, बाकी कार्य क्षेत्र समाप्त हो गया कांग्रेस का। कोई एक नेता इतनी भयावह बाढ़ थी उस पर चले जाते तो शायद उसके बाद इस ये करने लायक भी बचते। अब तो जनता समझ गई है कि ये ट्विटर फेसबुक के नेता है। लोग बचे नहीं हैं दरअसल कांग्रेस में, इनकी कार्य पद्धति ऐसी है, जब तक सरकार में तब भ्रष्टाचार का तांडव करते रहे, और विपक्ष में स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग नेता हैं, कोरोना के काल में बाढ़ के काल में कहाँ जाएंगे। मैं शायद पहला व्यक्ति हूँ जो प्रारंभ से कह रहा हूँ कि जमीन बची नहीं है इनके पास में, जनाधार विहीन लोग हैं, जनता पसंद ही नहीं करती। अब आप कल्पना करें ना कि इस दौर में जब बाढ़ में जाना चाहिए था तब पीएम मोदी के डिसलाइक की चिंता कर रहे हैं वो, तो इनकी चिंता के विषय क्या हैं आप इससे अंदाज कर सकते हैं उनके सोच के स्तर का। कांग्रेस प्रारंभ से ही जाति के आधार पर राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। ये दो सोच हैं अलग अलग प्रकार के, यही कारण है कि उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति जिंदगी भर की, लोगों को बांट कर राज करने, जो अंग्रेजों की थीम थी फूट डालो राज करो की, कमोबेश यही कांग्रेस की भी थीम रहती है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।